नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, सुबह एक न्यूज़ आई कि परिषदीय विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक अवकाश रहेगा। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या शिक्षकों को विद्यालय जाना है या नहीं। और कुछ शिक्षक साथी पूछ रहे हैं, 25 तारीख से परीक्षाएं होनी थी, क्या परीक्षाएं होंगी या नहीं। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, क्या अध्यापकों को विद्यालय में है या नहीं जाना है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, 24 से 31 मार्च तक का अवकाश घोषित किया गया है और ऐसा कोई भी निर्देश नहीं आया है कि शिक्षकों को विद्यालय जाना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस न्यूज से संबंधित छुट्टी का कोई भी स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे ना लगाएं। अपने व्हाट्सएप में जितने भी आपके ग्रुप हैं, किसी से भी इस बारे में बिल्कुल जिक्र ना करें कि अध्यापकों को जाना है या नहीं जाना है। फिलहाल आदेश के अनुसार किसी को भी विद्यालय नहीं जाना है, लेकिन अगर आप बार बार अपने BRC ग्रुप पर या अपने BSA के ग्रुप में, जिसमें BSA जुड़े हुए हैं, BEO जुड़े हुए हैं, उन पर आप स्टेटस डालोगे, बार बार लिखोगे क्या अध्यापकों को जाना है या नहीं जाना है, तो सभी नोटिस करते हैं और फिर वे एक आदेश निकाल देंगे, अध्यापक अपने विद्यालय में जाएंगे और अपना काम करेंगे। तो इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, छुट्टी का आनंद लें, अपनी होली का त्यौहार मनाएं। कोरोना की वजह से छुट्टी हुई है और कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है, एहतियात बरतें। और व्हाट्सएप ग्रुप में और किसी को भी फ़ोन करके ये ना पूछे कि क्या अध्यापकों को जाना है। अभी के नियम के अनुसार अध्यापकों को नहीं जाना है, और अगर कोई एक ऐसा आदेश आता है कि अध्यापकों को जाना है, वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मैसेज करके पूछेंगे या किसी को फ़ोन करके पूछेंगे, किसी अधिकारी से पूछेंगे, ARP से पूछेंगे या BEO से पूछेंगे, तो एक आदेश ज़रूर आ जाएगा कि अध्यापकों को विद्यालय जाना है। तो इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कोई भी छुट्टी को लेकर अपना स्टेटस ना लगाए और न ही यह क्लियर करें कि टीचर्स को विद्यालय जाना है या नहीं जाना है। कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं, उन्हें वक्त रहकर समझ लें। यह बेसिक विभाग है, कब कौन सा ऑर्डर आ जाए किस वक्त कोई कुछ नहीं जानता। कुछ लोग 24 से 31 की छुट्टी का स्टेटस व्हाट्सएप और FB पर लगाए हैं, वो कृपया उसे हटा लें। अब स्टेटस लगाने से सभी लोग इसे देखेंगे और मनी मन अध्यापकों को कोसेंगे कि देखो इनका बढ़िया है, मुफ्त के वेतन और छुट्टी पे छुट्टी। इसलिए इन सभी बातों से परहेज करें, ये सभी चीज़ें भी नोटिस करते हैं और अपना विभाग ऐसा है कि क्या पता शाम होते होते ऑर्डर अध्यापकों के लिए निकाल दें। इसलिए स्टेटस और पब्लिसिटी से बचें। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आप छुट्टी का आनंद लें। बात करते हैं परीक्षाओं की। परीक्षाएं 25 तारीख से होनी थी, लेकिन 31 मार्च तक छुट्टी हो चुकी है। उसके बाद परीक्षा की डेट घोषित होगी या नहीं होगी, ये वक्त पर छोड़ दीजिए। अगर डेट घोषित होती है या कोई मैसेज आता है कि अध्यापकों को विद्यालय जाना है, तो उससे संबंधित मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, लेकिन किसी से भी ये ना पूछे कि क्या अध्यापकों को जाना है या नहीं जाना है। अगर आपको कोई ऑर्डर ही मिलता है तभी आपको विद्यालय जाना है, लेकिन अगर आप बार बार पूछेंगे तो आपको ऑर्डर अवश्य मिल जाएगा। तो इसलिए इस बात को अपने मन में रखें, होली की छुट्टी का आनंद लें और COVID-19 से अपने आप को सुरक्षित रखें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, लेकिन स्टेटस ना डालें। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कोई ऑर्डर आता है तो मैं उसकी वीडियो आपको टाइम से ही पहुंचा दूंगा। धन्यवाद।